लम्हे हैं, ये खुशी के लम्हे हैं, ये बधाई के लम्हे हैं। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है एस्ट्रो टर्फ वाली हॉकी में, ओलंपिक्स में खेलते हुए पहली बार हराया है, और 1972 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मेरे पास भी शब्द नहीं रहे सुनील, कुछ कहने को रहा नहीं। दशक बीत गए, 40 साल हो गए सेमीफाइनल में भारत नहीं खेला है। जी हां, ये सच है, भारत सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है ओलंपिक खेलों के। टोक्यो 2020 के सेमीफाइनल लाइनअप में आखिरी टीम होगी भारतीय मेंस हॉकी टीम। मुबारक श्रीजेश, मुबारक हरमन, मुबारक गुरजंट, दिलप्रीत, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में गोल किए, मुबारक टीम इंडिया और मुबारक भारत, और मुबारक पूरे के पूरे हमारे हॉकी समर्थक जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली उस खराब हार के बावजूद अपना हौसला नहीं खोया, अपना विश्वास नहीं खोया, और उसी समर्थन की बदौलत दशकों बाद ये स्कोर लाइन देखने को मिली है। इसको कैद कर लीजिए, 3-1 से भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया है। गुरजंट ने गोल किया, दिलप्रीत ने गोल किया, और आखिरी गोल सही समय पर आया हार्दिक सिंह की स्टिक से। ये बधाइयां, ये मुस्कुराहट बरकरार रहे। बेल्जियम में खेलेगी, बेल्जियम के खिलाफ खेलेगी अब टीम इंडिया सेमीफाइनल। रियो से एक कदम ऊपर गई है भारत की पुरुष हॉकी टीम, और रियो से एक कदम ऊपर भारत की महिला हॉकी टीम भी गई है। ये प्रदर्शन दिल जीत लेने वाला है, ब्रिटेन के लिए दिल तोड़ देने वाला है, पर आज हम सिर्फ भारत की बात करेंगे। ये वो गोल जो कि सैम वॉर्ड ने निकाला था, इकलौता गोल जो उनकी स्टिक से आया था आज। और ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था वहां पर जो उन्होंने कन्वर्ट किया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।